हाँ जी गुड मॉर्निंग कैसे हो ठीक है सर अभी आज क्या पढ़ाने वाले हो आप आप एक टॉपिक रह गए थे रिवीजन का आ, कोशिश ये रहेगी कि यूट्यूब में आज और इसके बाद से फ्यूचर में मैं, मैं कंटिन्यू आऊँ थोड़ा ब्रेक हो गया था खैर बच्चों की डिमांड पर जो टॉपिक बचा हुआ है वो टॉपिक पहले हम ख़त्म करते हैं रिविज़न वाला सारे टॉपिक्स तो फिर से रिवाइज करना अब थोड़ा सा मुश्किल है एग्ज़ाम पता तो नहीं है पर पास में ये मान के चलो ठीक है जी तो सर कौन सा टॉपिक रह गया था और उस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड अच्छा ये वाला टॉपिक रह गया था हालांकि बच्चों मैंने ये बोला था कि ये इतना छोटा सा टॉपिक है इतना छोटा चैप्टर है कि इसको रिवाइज़ ख़ुद ही एक रिवीजन एक घंटे में तो आपसे खुद से ख़त्म हो सकता मेरी भी कोशिश रहेगी कि एक घंटे से पहले ही ख़त्म कर दूँ। और इसमें आपको इतना सिंपल है कि इसमें आपको रिवीजन की सॉरी मेरे द्वारा रिविज़न की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए पर ठीक है बच्चों की डिमांड थी तो पहले ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और उसके बाद बहुत सारे कुछ बच्चों का ये कहना था सर आटो कोरिलेशन टेस्ट करवा दीजिए जो कि लास्ट अटैम्प्ट में आया था ऐसा है कि जिन बच्चों ने मुझसे क्लास लिया है उन्होंने आटो कोरिलेशन टेस्ट पक्का करके गए होंगे एग्ज़ाम में और मुझसे नहीं बाकी और भी टीचर से क्लास लिया होगा तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि उन्होंने करवाया होगा ऑटो कोरिलेशन टेस्ट पर फिर भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे क्लास नहीं भी ले रखा है उनको भी तो करना है तो उसके लिए भी मैं जल्दी ही क्लास डालूंगा कल या परसों में तो पहले म्यूचुअल फंड खत्म करे म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल सिंपल है और उसी तरह से कराऊंगा थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी है पर हर एक क्वेश्चन में यहां कवर नहीं करवा सकता इट इटमीन्स रिवीजन हो जाए बस टारगेट इतना ही रहेगा तो म्यूचुअल फंड में हमें क्या क्या पढ़ा है क्या क्या पढ़ना है नहीं क्या क्या पढ़ा है क्योंकि ये रिविजन चल रहा है ठीक है सर तो म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंपल चैप्टर है सिंपल टॉपिक है और क्या है एक तो नेट एन पर यूनिट पढ़ना है रिटर्न का कैलकुलेशन पढ़ना है परफॉर्मेंस इवेलुएशन ऑफ म्यूचुअल फंड हैज फंड और कुछ रेसिड्यूल है वो रेसड्यूल में कुछ है नहीं एक आध क्वेश्चन होगा जो स्पेशल क्वेश्चन होगा जो दो अटेम्प्ट पहले आया हो वो क्वेश्चन है बाकी और कुछ नहीं है uh, सारे क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे सर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैनुअल या आपके स्टडी मटेरियल के रहेंगे मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि स्टडी मटेरियल के म्यूचुअल फंड के सारे क्वेश्चन कवर नहीं रहेंगे पर मैं जो करवाऊंगा वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडी मटेरियल के रहेंगे कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन ठीक है एग्जाम uh, में इस दो पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं बड़े सारे क्वेश्चन म्यूचुअल फंड के 90 परसेंट जो है वो एनएवी से क्वेश्चन आएगा या रिटर्न कैलकुलेशन से और हैच फंड से और परफॉर्मेंस इवेलुएशन ऑफ म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन नाक के बराबर उम्मीद है ठीक है सर एंड क्या है क्या सर म्यूचुअल फंड क्या है ये बता दो जल्दी जल्दी से बेटे म्यूचुअल फंड कुछ है नहीं है मान लो ये सब आपकी कॉपी में बना होगा राम को शेयर मार्केट में पैसा लगाना है इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है कि राम आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लीजिए डायरेक्ट पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में घुसना इतना आसान काम नहीं है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो राम को एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत है अब राम साहब जॉब करें अपनी अपनी ड्यूटी करें अपना बिजनेस करें खुद का या फिर वो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नॉलेज ले एक तो ये दिक्कत है दूसरा जो है वो ये है कि डाइवर्जिफिकेशन हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से समझ रखा है कि साहब सर जी हमें ऐसी जगह पैसा लगाना एक ही स्टॉक में पैसा नहीं लगाना बड़े सारे स्टॉक्स में पैसा लगाना है इट इटमीन जितना सारे स्टॉक्स में पैसा लगाओगे डायवर्जिफिकेशन करोगे उतना अनसिस्टमेटिक रिस्क कम हो जाएगा यही बात थी पर राम के पास ऐसे बड़े सारे पैसे नहीं है कि हर एक स्टॉक को खरीद ले भाई वो एक आध स्टॉक में पैसा इट इटमीन समस्या कौन सी है समस्या है कि डायवर्जिफिकेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि राम बहुत सारा नहीं बहुत कम पैसा लगा रहा दो प्रॉब्लम थी तो दोनों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था कि साहब राम आप किसी एक एक कंपनी को एक पर्सन को पैसे दे दीजिए और आप नहीं आपके जैसे बहुत सारे लोग पैसे देंगे ये पाँच हजार दिया कोई दस हजार दिया कोई दो हजार दिया कोई हजार रुपये दिया इसको एक फंड बनाया गया जिसका नाम है म्यूचुअल फंड नाम से ही लग रहा म्यूचुअल फंड ठीक है और ये कौन सी कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है और ये जो म्यूचुअल फंड है ऐसे ये इनके साथ पास बड़ा सारा पैसा जमा हो गया और ये इन्वेस्ट कर देते शेयर मार्केट में और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है यहां बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे होते सीए लोग आप जैसे लोग तो भाई उनको तो नॉलेज है उनका काम ही है जिनका वो काम है तो फिर तो बोलता एक्सपर्ट है दो फायदा हो गया एक तो एक्सपर्ट नॉलेज है और पैसा बहुत सारा पैसा जमा हो गया तो अब ये क्या कर सकते हैं एक तो डाइवर्जिफिकेशन हो गया बहुत सारे जगह पैसा लगा लिया रिलायंस में टिस्को में और इसके अलावा एक्सपर्ट पर्सनस के द्वारा पैसा लगाया गया है और इससे जो भी रिटर्न मिलेगी जो भी रिटर्न आएगी वो इन सबको बांट दिया जाएगा तो सर इन सब लोगों को बोला क्या जाता था इन सब लोगों को बोला जाता था यूनिट्स होल्डर यूनिट होल्डर इट मी इस बदले में ये जो पैसे दे रहे हैं ना इनको जैसे कंपनी शेयर इश्यू करती शेयर ना इश्यू ना होकर यूनिट्स इश्यू होते हैं ओके ठीक ठीक है सर ये तो पता था इतना टाइम पास क्यों किया आगे चल रहा है ये रिविजन चल रहा है वैसे तो म्यूचुअल फंड दो ही टाइप के होते हैं पर यहाँ अब मैं इसको थ्री टाइप हमें तो दो ही टाइप के पढ़ना पर थ्री टाइप भी तीसरा टाइप भी होता है थियोरिटिकल है एक होता ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एक होता क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड और एक है एक्सचेंज ट्रेडिट फंड ईटीएफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड में कुछ समस्याएं थी उसकी वजह से एक्सचेंज ट्रेडिट फंड पिक्चर में आया सर समझा पाओगे कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड और एक्शन डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा सर हाँ लेकिन एक बात है इसका वीडियो बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में हैं तो मैं क्या करूँगा उसके जितने भी वीडियो डले हुए उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा कुछ क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन है तो उसके भी उसमें दो दो घंटे लग रहा है तो दो घंटे तो मैं यहाँ लगा नहीं सकता ना ठीक है सर आंसर होता क्या है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हो हाँ मैं कब मना कर रहा हूं मैं तो ये दे रहा हूं आपको सुनोगे ध्यान से होता क्या है ये कौन है राम ये कौन है म्यूचुअल फंड राम ने पैसे दिए पाँच हजार रुपये और इन्होंने और राम जैसे बहुत सारे लोग हो गए और अच्छा पाँच सौ और बदले में पाँच सौ यूनिट पाँच सौ यूनिट दस के हिसाब से पाँच हज़ार रुपये दिए और भी म्यूचुअल फंड को बहुत जगह से पैसा मिला और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया रिलायंस बॉन्ड्स टिस्को विस्को में कितने रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया दस लाख रुपये का ठीक है यस अब राम के पास एक समस्या आई राम का ये कहना है कि म्यूचुअल फंड ठीक है भाई आप कमाओगे कमाओगे तो मुझे दोगे पर मुझे पूरा पैसा वापस चाहिए जैसे हम शेयर खरीदते वक्त आने पर हम शेयर बेच देते हमें पैसा मिल जाता है और राम कहता कि मान लो मैं पाँच हज़ार दूँ और एक साथ बात बोलूँ कि मुझे जितना भी पैसा है प्लस कुछ सब वो वापस चाहिए तो वापस कैसे करोगे मैं आपके पास जाऊँ मैं किसके पास जाऊँ तो म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्या बोलता है ओपन एंडेड ये बोलता है कि राम आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जब भी आपका दिल करेगा आप हमारे पास आ जाना हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे टेंशन खत्म कभी भी दरवाजे खुले हुए ओपन आइए पैसे ले जाइए और आपको दो दिन बाद ऐसा लग रहा है कि आपको और ख़रीदना है तो आप और यूनिट्स खरीद सकते हैं मतलब ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कभी भी रिडीम्ड कर देता है जब भी राम का दिल चाहेगा और कभी भी वो आपको इश्यू कर सकता है तो क्या ये यूनिट्स कैपिटल जो एक लाख यूनिट्स इश्यू कर रहे है, क्या ये चेंज हो जाता है हाँ बेटे हो जाता ब, भाई देखो ओपन एंड बैंक जैसा ही हो होगा आइए कस्टमर और यूनिट्स इश्यू करेंगे तो यूनिट्स इश्यू करेंगे तो यूनिट्स करेंग, तो बढ़ेगा दस लाख से और यूनिट रिडीम करोगे तो यूनिट्स कम हो जाएगा दिस इज ओपन राम का ये कहना कि सर एक साल बाद आता हूँ मान लो अभी मैंने पांच सौ यूनिट्स कर एक साल बाद आता हूँ तो फिर मुझे कितना पाँच हज़ार रुपये वापस करोगे या कुछ और बोले नहीं ऐसे नहीं होगा जब आप एक साल बाद आओगे या अगले दिन आओगे छोड़ो अगले ही दिन आओगे तो बोले देखो हमने अभी पैसा लगा रखा है कितना इन्वेस्टमेंट किया है दस लाख रुपए दस लाख को इस तरह से हो सकता है कि रिलायंस में बॉन्ड्स में हो सकता है रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ जाए अगर बढ़ जाए तो उसी दिन हम देखेंगे कितना नेट एसेट्स है अगर उस दिन बारह लाख है नेट एसेट्स और नंबर ऑफ यूनिट्स है एक लाख तो उस हिसाब से नेट एसिट वैल्यू कितनी है बारह रुपये और हम आपको बारह रुपये वापस कर देंगे सिंपल अच्छा इट मीनस अच्छी बात यही है कि राम को जो पैसे वापस हो गए जिस दिन भी राम चाहेगा उसको उस दिन की वैल्यू जो इंट्रेंसिक वैल्यू जो रियल वैल्यू है उस पर वापस हो होगी ये एक अच्छी बात लगी मुझे मतलब सर डिमांड एंड सब कोई चक्कर नहीं है और किसके पास जाएगा राम खरीदने के लिए तो सर ये कौन सा हो गया ये हो गया ओपन एंडेड और भी बहुत सारी बातें मैं करूंगा अभी आगे चलता हूं दूसरा कौन सा है दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्लोज एंडेड में म्यूचुअल फंड बोलता साहब ऐसा आराम राम आप पैसे लगाइए आप जैसे बहुत सारे पैसे लगाएंगे और हम उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे ठीक है तो राम कहते अगर मुझे अगले दिन पैसे चाहिए तो बोले हमारे यहाँ मताना बोले अच्छा बोले किस बोले स्टॉक एक्सचेंज में जाना वहाँ हम लिस्टेड हैं वहाँ जाइए वहाँ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमारा जैसे शेयर का प्राइस होता ना वैसे यूनिट का प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है जाइए वहाँ से खरीद लीजिए बात खत्म अच्छा ये बात है हाँ जी क्लोज्ड एंडेड में एक बार म्यूचुअल फंड यूनिट्स इश्यू करेगा तो वो फिक्स हो जाएगा उसके बाद दरवाजे बंद कहां जाओ शेयर मार्केट के पास जाओ और शेयर मार्केट से आप यूनिट्स को बेच सकते हो खरीद सकते हो बेच सकते हो वहां होगा ट्रेड जैसे कंपनियों में होता है अच्छा सर तो खास बात क्या समझ में आई दो चीज में क्या यहां यूनिट कैपिटल फिक्स होता है क्लोज एंडेड में हाँ और जो यूनिट का प्राइस है वो क्या रियल वर्थ है नहीं वो किस पर डिपेंड होता है डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड होता है ये एक बुरी बात है सर इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाता है कि यस मतलब उसी दिन आप खरीद भी सकते हो उसी दिन बेच भी सकते हो उसी दिन खरीद भी सकते हो लेकिन ओपन एंडेड में ऐसा नहीं है उसी दिन खरीद भाई एन तो एक ही टाइम पर और वही एन आप उसी दिन खरीदोगे उसी दिन बेचोगे को, कोई फायदा नहीं मिलेगा ऊपर से कुछ लोड वगैरह अलग लग जाता है बात समझ में आ रही ना क्योंकि एनएवी डेली कैलकुलेट होता पर डेली हर दस मिनट में कैलकुलेट नहीं होता एक बार दिन में इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं नो डाउट ओपन एंडेड लिस्टेड नहीं होता क्लोज एंडेड लिस्टेड होता है खास बात क्या है ओपन एंडेड की दो चीजें एक तो ये जो यूनिट का प्राइस है ओपन एंडेड यूनिट का प्राइस है वो एनएवी पर ट्रेड होता है एनएवी पर मतलब रियल वैल्यू ये सही है पर इंट्रोड ट्रेडिंग नहीं हो सकती और क्लोज एंडेड में क्या होता था क्लोज एंडेड में जो यूनिट का प्राइस है मेन बात है वो डिमांड एंड सप्लाई पर यह बुरी बात है पर ट्रेडिंग हो जाती थी इसी की वजह से और एक फंड बना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कमियाँ थी ओपन एंडेड में जो कमियाँ थी क्लोज एंडेड में उन दोनों कमियों को दूर करते हुए एक बना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नाम से लग रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्सचेंज ट्रेडिट फंड में क्या होता होगा एक्सचेंज ट्रेडिट नाम से लग रहा है ना एक्सचेंज ट्रेडिट तो जो यूनिट ट्रेड होता है यूनिट ट्रेड होता होगा वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिल्कुल सही। और सर वो ट्रेड कैसे होता होगा किस डिमांड एंड सप्लाई पे? नहीं बेटे इंट्राडेट ट्रेडिंग हो सकती है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा लेकिन वो जो ट्रेड होगा वो एनएवी पर होगा मतलब हाँ सर मतलब समझाना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा रिवीजन हो रहा है तो सर हम कहाँ पढ़ेंगे इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक वहाँ पढ़ देना आराम से तो तीन टाइप के म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड क्लोज एंडेड एंड एक्सचेंज ट्रेडिड सर काम की बात चले फटाफट से यस मुझे टोटल मिलाकर कितने पॉइंट्स करवाना है चार चार में से फर्स्ट एनएवी एनएवी के विषय में अभी मैं समझा चुका हूँ जल्दी जल्दी काम करेंगे सर एन का मतलब नेट एसेट्स वैल्यू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी उसके लिए हमको बैलेंस शीट की उसी दिन का वैल्यू चाहिए होता है यस yes. तो बोले बैलेंस शीट जो म्यूचुअल फंड का है ना वो डेली बेसिस पर प्रिपेयर होता है और उस दिन आप मार्केट प्राइस देखते हो किसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का लाइबलिटीज़ का मतलब मार्केट प्राइस तो होगा नहीं कितना पे pay करना पेएबल वैल्यू ठीक है और एन कैसे निकाला जाता है ये तो आपको आता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स सपोज एक एग्जाम्पल अच्छा लेकिन एक बात समझना है लोड होता लोट ये भी समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ो दो टाइप का लोड होता है एक होता एंट्री लोट और एक होता है एग्जिट लोड मतलब सर मतलब अगर कोई पर्सन यूनिट परचेस करने आता है किसके पास म्यूचुअल फंड के पास तो म्यूचुअल फंड बेचेगा तो महंगे में बेचेगा ना यार आपको एंट्री लेना ले लो लेकिन जब आपको यूनिट इश्यू करेंगे तो जितना एन है प्लस कुछ चार्जेस एक्सपेंसि हो रहा है वो भी तो हम तो प्लस कुछ चार्जेस हम ऐड कर देते हैं और जब हम आपसे ख़रीदते तो जितना एन ए वी है उस पर नहीं थोड़ा से कम है तो उसको बोलते हैं एक्जिट आपको बाहर निकलना निकल लो आप फटाफट से रिडीम करने को हम तैयार है लेकिन जितना एन ए वी उससे कम है दिस और कुछ नहीं है इसी को तो आप फ्रंट एंड लोड भी बोलते एंट्री लोड मतलब सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस है तो उसमें कुछ जैसे मार्जिन होता है उसी तरह से और बिड में क्या करते हैं माइनस आस्क में क्या करते हैं प्लस फॉरक्स तो पता वही कुछ है एंट्री लोड और एक्जिट लोड या फिर क्या क्या बोलते फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड ठीक है चलो इस एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दो ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करेंगे कौन कौन सा एन कैलकुलेशन और रिटर्न कैलकुलेशन हाँ जी ये है बेटे यूनिट होल्डर्स ठीक है म्यूचुअल फंड ने एक लाख यूनिट इश्यू किया दस का एक एक अप्रैल 2021 को तो टोटल तो कितना आया दस लाख रुपए आ गया और दस लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट देखो किस तरह से रिलायंस के चार हजार शेयर सौ के हिसाब से चार लाख रुपए सेवन परसेंट बॉन्ड्स टेन परसेंट डिवेंचर तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का कर रखा चार लाख यहां दो लाख यहां तीन लाख या नौ लाख रुपए तो सर दस लाख रुपए आया था नौ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ तो एक लाख रुपए क्या बचा कैश ठीक अब इकतीस मार्च दो हजार बाईस को हुआ क्या क्या मैं एक साल बाद का एवी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ एन एव निकालना है। तो यार एक इकतीस मार्च 2022 को रिलायंस के शेयर का प्राइस ऐसा थोड़ी नहीं कि सौ ही होगा बोले एक सौ पैंतीस रुपये हो गया ठीक है बॉन्ड्स का जो वैल्यू था फेस वैल्यू से एक सौ दस परसेंट ज़्यादा हो गया ठीक है हाँ लेकिन डिवेंचर में कोई चेंज नहीं हुआ एट पार डिविडेंड भी मिला होगा तो डिविडेंड कितना मिला साठ हज़ार इसके अलावा इंटरेस्ट भी प्रॉपरली रिसिव हुआ इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ वो नहीं बताएं पर हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं दो लाख का सात परसेंट तीन लाख का दस परसेंट इसके अलावा सर क्या हुआ एक्सपेंसिस भी पैड हुए हो गए बड़े सारे एक्सपेंसिस होते हैं म्यूचुअल फंड के इसके अलावा एक्सपेंसिस पेबल है ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंसिस पेबल मतलब देना बाकी है ठीक है सर कुछ खर्चे पैड हो चुके कुछ खर्चे भी देना बाकी है आपको एन निकालना है 31 मार्च दो हजार का ठीक है सबसे बड़ा कैलकुलेशन होता है कैश का कितना पैसा था कितना आया होगा साल भर में कितना गया होगा तो ये सर हम तो बच ट्वेल्थ क्लास से सीख रहे हैं यस सर आपके पास ओपनिंग कितना था एक लाख डिविडेंड रिसीव हुआ कितना साठ हजार इंटरेस्ट भी रिसिव हुआ टू लैख के सेवन परसेंट कितना होता है फोर्टीन थाउजेंड और इसके अलावा थ्री लैख ,00 का टेन परसेंट कितना होता है थर्टी थाउजेंड और माइनस कितना हो गया ठीक ये हुआ तो टोटल मिलाकर हमारे पास कैश कितना है वन लैख एटी नाइन थाउजेंड कैश कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसके बाद क्या होने वाला इसके बाद तो आपको पता है इसके बाद आप देखो ध्यान से तो रिलायंस का चार हजार शेयर था एक सौ पैंतीस के हिसाब से फाइव लैख फोर्टी थाउजेंड बॉन्ड्स दस परसेंट ज्यादा डिबेंचर कैश तो एसेट्स जोड़ दिया माइनस लाइबिलिटी कर दिया तो नेट एसेट्स आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दिया तो एने भी आया बात खत्म अच्छा सर ये बात है यस अब मान लो किसी को दस हजार देने हैं इकतीस मार्च दो हज़ार बाईस को और उन्हें यूनिट्स खरीदना है तो उन्हें यूनिट्स कितना मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि दस हजार रुपये में बारह रुपये उन्नीस पैसे के हिसाब से उन्हें आठ सौ बीस यूनिट्स आठ सौ बीस पॉइंट थ्री फोर फोर यूनिट्स मिलेगा एक बात और समझना इसमें इग्नोर कर रहा हूँ मैं एंट्री लोड और एग्जिट लोड को ठीक है दूसरी बात अब अच्छे से समझोगे दूसरी बात यह है कि बच्चे इसको राउंड ऑफ करते हैं यूनिट्स को सर जी रिक्वेस्ट करो हाथ जोड़ के यूनिट्स को राउंडेड ऑफ नहीं करोगे पॉइंट के बाद कम से कम थ्री डिजिट्स में काम करोगे ठीक है ठीक है सर सर क्वेश्चन करें कि एक हाथ यस हाँ जी एक क्वेश्चन उठाया स्टडी मटेरियल का ही है। आपका तो चिंता वाली बात नहीं है ये दिख रहा आपको क्वेश्चन अच्छा इस सर ये सब कुछ बना हुआ है क्लीन क्लीन नहीं मिल पाएगा सर ये तो मेरे क्लास नोट्स से ही मैं पढ़ा रहा हूं देखा एक अप्रैल 2009 हजार नौ रिटर्न म्यूचुअल फंड हैज द और कितने बजे भाई चार बजे शाम की बात है सर ओपन एंडेड है क्या हाँ एन कैलकुलेट कर रहे तो ओपन एंडेड ही होगा खैर हमें अब इस चक्कर में नहीं पड़ना इस झमेले में ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड एन निकालना बस तो चार बजे बी बीलिमिटेड सी लिमिटेड म्यूचुअल फंड ने पांच जगह शेयर में पैसे लगा के रखे कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है इतने शेयर्स खरीदे और मार्केट प्राइस इतना था और नंबर ऑफ यूनिट्स है आठ लाख तो आप एन बताइए फर्स्ट अप्रैल टू को क्या बिल्कुल आसानी से बता सकते हो यस yes, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो जो कि मेरे साथ अक्सर हो जाता है ठीक है सर तो देखिए हाँ जी देखते हैं क्या तो एसेट्स मल्टीप्लाई है दस हज़ार इंटू उन्नीस रुपया सत्तर पैसे पचास हज़ार इंटू फोर एटी टू तो इस तरह से नेट एसेट्स आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दिया तो यहाँ एन ए आ गया पहला काम पूरा हो चुका सिंपल दूसरा क्या बोला दैट फर्स्ट अप्रैल 2009 थाउजेंड नाइन एक अप्रैल दो हजार नौ को यह कितने बजे की बात है चार बजे की बात है एक अप्रैल दो हजार नौ को ही मिस्टर एक्स एच एन आई सेंड चेक कितने रुपए का चेक मिला भाई पचास लाख रुपए का सामने वाले पर्सन ने चेक दिया ठीक है फंड मैनेजर को और उन्होंने कहा और फंड मैनेजर ने क्या किया उन्होंने परचेस कर लिया तुरंत अठारह हजार शेयर अठारह हजार शेयर और खरीदा दो सौ चौसठ के हिसाब से खरीदेगा और बैलेंस जो है वो बैंक में रख दिया तो बताइए फंड का पोजिशन क्या होगा इसके बाद देख लेते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था ये देख कितने का चेक आया था पचास लाख रुपए का और उस दिन चार बजे जो हमने एन निकाला वो एन कितने निकली थी एक सौ उन्नीस रुपये पॉइंट ज़ीरो फोर सेवन फाइव तो उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा और पचास लाख में अठारह हज़ार शेयर दो सौ चौसठ के हिसाब से इतने रुपए खर्च हो गए तो बैंक में इतना रुपए बचा दो लाख चालीस हज़ार आठ सौ और हमने मिस्टर ए को क्या किया हमने मिस्टर ए को फोर्टी टू थाउजेंड यूनिट्स इशू कर दिया हमने कहा लाओ तो इट मीन्स अब जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो आठ लाख नहीं रह गई एट लैक फोर्टी टू थाउजेंड यूनिट्स हो गई और हमारे पास एसेट्स बढ़ गए तो उस क्या हुआ इसकी वजह से बोले इसकी वजह से ये हुआ कि कहीं चेंज नहीं हुआ बस कहाँ चेंज हो गया यहाँ चेंज हुआ सी लिमिटेड के हमने शेयर खरीदे दस हज़ार ये थे अठारह हज़ार और आ गए तो इतना हो गया इसके साथ मैं में बैंक का बैलेंस मैं पहले ही बता चुका हूं नंबर ऑफ यूनिट तो ये पोजीशन हो गई सिंपल ठीक है तो ये भी निकाल सकते थे आप आगे लिखा नाउ सपोज ऑन सेकेंड अप्रैल 2009 अगले दिन चार बजे बोले मार्केट प्राइस ये हो गया तो बताओ क्या होगा तो मेरे ख्याल से तो टाइम पास कर रहा है क्वेश्चन ये देखो बेटी मार्केट प्राइस दिया हूँ मल्टीप्लाई किया कैश जो कि क्यों रहेगा तो ये आ गया तो ये तो सिंपल है इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको आता ठीक है तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन चलते दिख रहा हाँ जी क्या लिखा है म्यूचुअल फंड मैड एन इश्यू कितना बोले दस लाख यूनिट्स इश्यू कर रहा है दस का एक चार्ज्ड इंपॉर्टेंट है वैसे भी ना अक्सर ना क्वेश्चन में एंट्री लोड रहेगा ही नहीं नो एंट्री लोड वाज चार्ज इट मैच द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट दस लाख यूनिट इश्यू किया है दस का एक मतलब पैसा हंड्रेड लैक्स आया एक करोड़ रुपया अब एक करोड़ को इन्वेस्टमेंट कैसे किया तो बोले पचास हजार शेयर खरीदा है है तो सौ का एक लेकिन एक सौ साठ रुपए में तो एटी लैक्स यहां खर्च कर दिए कुछ सिक्योरिटी खरीदे डिबेंचर खरीदे डिबेंचर खरीदे कुछ अनलिस्टेड थे कुछ लिस्टेड थे तो टोटल मिलाकर नाइन्टी एट खर्च हो गए तो कितना बच गया होगा वैसा आया कितना हंड्रेड लैक्स कितना खर्च हुआ नाइनटी एट तो कितना बच गया दो लाख ,00 उसके बाद क्या किया बोले उसके बाद डिविडेंड मिला बोले बारह लाख रुपए ठीक है कैश देखना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी सारे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हो गए और इयर एंड में इक्विटी शेयर एंड टेन परसेंट डिबेंचर आर कोटेड इक्विटी शेयर एक सौ पचहत्तर परसेंट पे कोट हुए हैं और जो टेन परसेंट डिबेंचर है वो नाइन्टी परसेंट पे कोट हुए मतलब मार्केट प्राइस बता रहा है बाकी इन्वेस्टमेंट एट पार रहा फाइंड आउट द एन ए वी पर यूनिट गिवन दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस पैड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज फाइव लैक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस पैड है पांच लाख रुपए आल्सो फाइंड आउट द एनएवी इफ द म्यूचुअल फंड हैड डिस्ट्रीब्यूटेडेंड रुपीज अस्सी पैसा पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर टू द यूनिट होल्डर ठीक है पहले तो हम एन ए वी निकालें यूनिट्स कितना इश्यू किया था सौ लाख खर्च कितना हो गया नाइनटी एट लैक्स तो कैश कितना बचा दो लाख सुनो ये कैश कब बचा एक तारीख को सिंपल सी बात है ये मैं आपको लास्ट का कैश नहीं दिखा रहा हूँ एक तारीख का ठीक है सर तो डिविडेंड मिला दिया है क्वेश्चन में बारह लाख उसके बाद इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में निकाल लेंगे सर तो आठ लाख का सात परसेंट आप क्वेश्चन देख सकते हो पांच लाख का नाइन परसेंट पांच लाख का टेन परसेंट और टोटल तो तो अब एन एव निकालते हैं तो बोले इसको तो एक सौ पचहत्तर परसेंट से बढ़ाना है सर एक सो वन सेवेंटी फाइव परसेंट लिखा है किसका लिखा है पचास लाख का एक क्वेश्चन आपसे पूछिए सर हाँ बेटा आपने 80 लाख का 175 परसेंट लेना था कि 50 लाख का 175 परसेंट लेना था सोचो ना यार मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कभी भी जब परसेंटेज में दिया रहेगा तो प्लीज़ फेस वैल्यू का लेना कुछ बच्चों ने यहाँ गलती किया है एग्जाम में है सिंपल सा क्वेश्चन पर एग्जाम में ना पता नहीं एक्स्ट्रा दिमाग चल जाता यार अस्सी लाख का वन परसेंट लेना था क्यों भाई कभी भी परसेंट ये तो डिवेंचर चैप्टर था सीए इंटर में वहां से हमने हमको आता है अच्छे से कि हमें फेस वैल्यू का लेना परसेंटेज ठीक ठीक है यहां तक इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है डिबेंचर से डिबेंचर से कैशट कैश दिया हुआ कैश हम कैलकुलेट करके आए एनएवी आया नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो एनएवी आ गया ये एनएवी अगर डिविडेंड इसमें दे दूंगा मैं भाई आप आप बोलो आपका अगर आपको अभी एक यूनिट पे पैसे चाहिए ना तो 11.551 मिलेगा पर अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो यहाँ से माइनस कर देंगे और भी तरीके हम यहाँ से कैश में से माइनस कर देंगे तो वो भी एक तरीका पर सीधा सीधा करो ना यार क्यों मुश्किल काम कर रहे हैं एनएवी दिया हुआ है माइनस करेंगे डिविडेंड पैट पर यूनिट तो ये आ जाएगा सिंपल ओके oh, चले आगे यस yes. ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है देखते क्या लिखा बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द एन ऑन पर यूनिट ऑफ रेगुलर इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड लिस्टेड इक्विटी शेयर एट कॉस्ट दे रखा है लिस्टेड शेयर तो है पर वो कॉस्ट पे दे रखा है ठीक है कैश इन हैंड बॉन्डस एंड डिबेंचर एट कॉस्ट इसमें से बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड ठीक है अदर फिक्स इनकम सिक्योरिटी ठीक है डिविडेंड एक अमाउंट पेबल ऑन shares एक्सपेंडिचर एक सवाल एक सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपल सा ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है बहुत 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 ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मतलब मैं आपसे आपसे ये बोल रहा हूँ कि 90 परसेंट बच्चों को ये बात ही समझ में नहीं आ रही मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है ये एक अप्रैल की है कि जिस दिन थर्टी फर्स्ट मार्च की सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चन में साफ साफ एक अप्रैल की इंफॉर्मेशन थी भैया इतना यूनिट्स खरीदा था इतनी इंफॉर्मेशन थी कैश आप कैलकुलेट कर लो आपने कैलकुलेट कर लिया था यहां कैश दिया हुआ है सवाल बस इतना क्या ये एक अप्रैल की है अगर ये एक अप्रैल की है सारी इंफॉर्मेशन ओपनिंग डेट की है तो ये डिविडेंड एक्रूड अमाउंट पेबल एक्सपेंडिचर एक्रूड ये क्यों दे रखा सोचो ना भाई ये एक अप्रैल की इंफॉर्मेशन नहीं है ये थर्टी फर्स्ट मार्च की तो सर इक्विटी शेयर एट कॉस्ट दे रखा हां थर्टी फर्स्ट मार्च को बता जरूर रहा है कि देखो सर चालीस लाख रुपए के शेयर खरीदा था उस समय आज आप वैल्यू निकाल लीजिएगा अच्छा डिविडेंड एक्रूट कभी भी उस समय की इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो आज की होगी कैश कब का ओपनिंग कैश है कि आज का कैश है जब आज की इंफॉर्मेशन है तो यहां कैश दिया तो कैश भी आज ही का होगा आज ही का होगा मतलब प्लस माइनस हो चुका होगा मैं ये क्यों एक्स्ट्रा क्यों मेहनत कर रहा हूं क्यों जोर डाल रहा हूं इस बात के समझ में आएगा आखिरी में आगे चलते हैं करेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटी बोले ये जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी है ना ये जो दिख रहा है जिसका फेस वैल्यू था सौ आज उसका प्राइस हो गया नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो सिंपल सी बात है वैल्यू निकाल लेंगे हम उस हिसाब से जो नाइन पॉइंट सेवन फाइव था उसका फेस वैल्यू है सौ आज वैल्यू नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो ठीक है नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है दो लाख पचहत्तर हजार ऑल द लिस्टेड इक्विटी शेयर वर परचेस्ड एट ए टाइम बोले जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है चालीस लाख के जब परचेस किया था तो उस समय था बारह हज़ार पाँच सौ इंडेक्स और आज एन ए डेट इंडेक्स हो गया उन्नीस और हम ये मान रहे हैं कि मार्केट इंडेक्स और ये जो शेयर है इसका परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन इन लीनियर रिलेशनशिप है जिस रेशियो में इंडेक्स बढ़ेगा उसी रेशियो में हमारा म्यूचुअल फंड ये जो शेयर का प्राइस है ये बढ़ेगा ये मान के चल रहा हूँ हाँ कुछ डिमिनेशन हो रहा पंद्रह परसेंट अनलिस्ट बॉन्ड्स अनलिस्टेड बॉन्ड्स मतलब किसकी बात कर रहा हो ये नॉट लिस्टेड इसकी बात कर रहा अनलिस्टेड बॉन्ड्स की ठीक है ये भी है पंद्रह परसेंट कम कर देंगे हाँ जो लिस्टेड बॉन्ड्स वो सेवन पॉइंट फाइव लैक्स हो गया एन रेट को सर लिस्टेड बोले देखो ये बॉन्ड्स है टोटल मिलाकर इसमें से नॉट लिस्टेड ये है तो लिस्टेड वाले तो आप निकाल लोगे और उस हमें कॉस्ट से क्या लेने देना हमें तो वैल्यू निकाल कर दे दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस पैड डूरिंग द ईयर टू पॉइंट टू फोर अब सवाल बड़ी मुश्किल है कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये टोटली प्रैक्टिस मैनुअल में या स्टडी मटेरियल में गलत किया गया है ये टू पॉइंट टू फोर लैक्स कैश माइनस होना चाहिए क्योंकि पैड हुआ है मेरा कहना है कि जो पैड हुआ वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है इस कैश में से ये जो कैसे ये ईयर एंड का है और इसमें से ये चीजें तो ऑलरेडी माइनस हो गई है तो ये मेरे लिए इरेलीवेंट है कुछ बच्चों का ये कहना है जब इरेलीवेंट है सर तो दिया क्यों है अगर दिया है तो यही मानना पड़ा पढ़ना चाहिए कि भैया इसमें से माइनस करना सवाल बस दो ही आपका भी दिमाग अपनी जगह है मेरा भी दिमाग अपनी जगह है सर आपका दिमाग क्या देखकर चला आई का आंसर सॉल्यूशन और उसने माइनस नहीं किया है तो मेरा ये सोचना उसके हिसाब से कि भाई माइनस नहीं किया है इसका मतलब है कि इसमें से ऑलरेडी माइनस हो गया होगा सर मान लो आप स्टडी मटेरियल नहीं देखते तो तो शायद मैं भी सोचता कि क्यों ना कैश में से माइनस कर दे सोचता गया पक्का सोचता दिया है तो माइनस करो ना पर सर रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के Icai ही फॉलो करो मेरे चक्कर में या किसी और छोड़ो फॉलो करो यार मुझे पास करवाना आपको ठीक है चले आगे yes. देखते क्या सिंपल सी बात है इक्विटी शेयर चालीस लाख था उस समय इंडेक्स था बारह हजार तो अब हो गया ये तो ये ले लिए कैश डायरेक्ट ले लिया इसके बाद लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर का वैल्यू दिया है। अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर बोल रहा है कि पंद्रह परसेंट कम करना है मतलब एटी फाइव परसेंट ले लिया उसका अदर फिक्स इनकम सिक्योरिटी में पहले कैलकुलेट करके बताया था आपको डिविडेंड मिलना है डिविडेंड एक्रूट का मतलब डिविडेंड एक्रूट का मतलब क्या हुआ सर भाई मुझे डिविडेंड जो मैं म्यूचुअल फंड हूँ मैंने कहीं शेयर मार्केट में उससे वहाँ से मुझे डिविडेंड मिलना है ठीक है जी जो डिविडेंड मिलना है वो यहाँ आ गया एसेट्स हो गया कुछ अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स है और इसके अलावा एक्सपेंडिचर एक्रूड है बस वो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड वो कहीं भी नहीं आएगा वजह मैं बता चुका हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स तो ये आ गया एन anyway. ठीक है जी करके जाना अच्छा क्वेश्चन है अब रिटर्न कैलकुलेशन कर ले क्या यस yes. अब बात करेंगे रिटर्न कैलकुलेशन दो टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी थी एक तो एन कैलकुलेशन के तीन चार क्वेश्चन मैंने उठाया दूसरा है रिटर्न कैलकुलेशन देखते हैं रिटर्न कैलकुलेशन है क्या हाँ ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी बात जैसे होता क्या है यार यह राम ठीक इन्होंने क्या किया यूनिट्स खरीदा एक हजार यूनिट्स और कितने पैसे दिए पच्चीस रुपये किसको दिया ये पैसा म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड इसको क्या करेगा इन्वेस्ट कहाँ इन्वेस्ट करेगा शेयर मार्केट में या फिर बॉन्ड्स में या फिर बहुत जगह मनी मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड तो पक्का यार इस म्यूचुअल फंड को दो टाइप की कमाई होगी पहला डिविडेंड की कमाई शेयर खरीदोगे डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा यस yes. और दूसरा क्या होगा दूसरा म्यूचुअल फंड क्या करता है शेयर खरीदता है शेयर बेचता है बॉन्ड्स खरीदता है बॉन्ड्स बेचता है तो इस पर उसको कैपिटल गेन भी तो होता है शेयर मार्केट से डिविडेंड इनकम तो होगी होगी साथ में म्यूचुअल फंड को कैपिटल गेन की भी इनकम होगी उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सीधी सी बात है इट मीन्स म्यूचुअल फंड दो टाइप की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने यूनिट्स होल्डर को एक होता है डिविडेंड और एक होता है कैपिटल गेन इट मीन्स डिविडेंड की इनकम भी होगी और कैपिटल गेन की भी इनकम होगी ठीक है और इसके बाद 30 अप्रैल को जो एन का प्राइस है वो हो गया पच्चीस रुपए साठ पैसा सवाल यह है कि मिस्टर राम को कितने रुपए की कमाई हुई सिंपल सी बात है तो एक तो कैपिटल गेन भी मिला पच्चीस पैसा पर यूनिट और डिविडेंड की भी कमाई हुई पचास पैसा पर यूनिट इसके अतिरिक्त तो पच्चीस रुपए से एन हो गया पच्चीस रुपए साठ पैसे तो इतने की कमाई हुई परसेंटेज में बताइए सर बस और जो परसेंटेज में बताओगे ये जो कमाई है ये कब यूनिट्स ख़रीदा था एक अप्रैल 2021 से 31 अप्रैल

डिवाइडेड बाय बिगनिंग ये मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको आता है पोर्टफोलियो में पढ़ा है आप इसको रिटर्न का फॉर्मूला बोल सकते हो या आप इसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला बोल सकते हो एक ही बात है तो उस हिसाब से रिटर्न कितना आ गया फाइव पर मंथ उसको हमने एनुअल 12 महीने का कितना 64.8 फोर पॉइंट एट ये रिटर्न कैलकुलेशन है ठीक है सर क्वेश्चन देखते हैं कि है? यस और एक चीज एक एक्सपेंसेस एक एक रेशियो है कभी कभी पूछ लेता ना यार इसलिए मैंने कवर करा कि भाई म्यूचुअल फंड का जो है ना म्यूचुअल फंड का जो एनालिसिस किया जाता है तो हम जो ये देखते हैं कि यार म्यूचुअल फंड के खर्चे कितने हैं और खर्चे पर यूनिट के बेसिस पे दिखाइए तो पर यूनिट के जितने एक्सपेंसेस है डिवाइडेड बाय यूनिट्स करेंगे तो एक्सपेंसेस पर यूनिट आ जाएगा और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस पर यूनिट और डिवाइडेड बाय एवरेज एन ए वी हंड्रेड तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इतने जितने रुपए का एन ए वी है ना एक यूनिट का वैल्यू उसका टू पॉइंट टू सेवन परसेंट म्यूचुअल फंड खर्च कर जाता है यह भी एक इवेल्युएशन का तरीका कि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस सही भी है एक्सपेंसिव ज्यादा तो नहीं है ये सब कुछ है ठीक है सर पढ़ाने का लॉजिक क्या एक्सपेंसेस रीश्यू पढ़ाने का लॉजिक एक आध क्वेश्चन में अगर एक्सपेंसेस रिशो आ गया तो भाई हमको पता तो होना चाहिए ठीक है ठीक है सर एक क्वेश्चन ले लें क्या यस या भी क्वेश्चन कहाँ से स्टडी मटेरियल देखते क्या लिखा है ज परचेज दो सौ यूनिट ऑफ ऑक्सीजन म्यूचुअल फंड कितने रुपए का फोर्टी फाइव पर हिसाब से इकतीस दिसंबर दो हजार नौ को 200 दो सौ यूनिट खरीदा है पैंतालीस दो हजार दस में ड्यूरिंग दर इन टू थाउजेंड टेन एक रुपए तो डिविडेंड के रूप में मिला और कैपिटल गेन के रूप में दो रुपए मिला डूरिंग द मंथ इन टू थाउजेंड टेन लिखा मतलब ड्यूरिंग द इयर ही होगा कैलकुलेट रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ वन ईयर और साफ साफ यहाँ भी लिखा है वन ईयर एक साल का रिटर्न निकालना है अगर एन जो था कितना था यहाँ फोर्टी फाइव से कितना हो जाएगा फोर्टी एट हो जाएगा तो सिंपल है फोर्टी एट माइनस फोर्टी फाइव प्लस वन प्लस टू डिवाइडेड बाई फोर्टी फाइव ये एनुअल ही निकल गया हमें जरूरत ही नहीं पड़ी मंथली की क्योंकि यहाँ मंथली जो पीरियड है ना वो एनुअली दिया था पॉइंट नंबर बोल रहा कैलकुलेट द रिटर्न फॉर पीरियड ऑफ वन ईयर एज दैट एन कितना हो जाए फोर्टी एट हो जाए ठीक है और ऑल डिविडेंड एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड हैव बीन री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ फोर्टी सिक्स पर नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है सर नंबर ऑफ यूनिट्स है 200 सौ यूनिट्स ये ये वाला री इन्वेस्टमेंट डिविजन री इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते जितने भी इनकम हो रही उसको हम री इन्वेस्ट कर देते हैं देखते क्या है मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर जी ऐसा है कि बिगिनिंग में 200 यूनिट्स परचेस किया था कितने के हिसाब से पैंतालीस रुपए के हिसाब से 45 के हिसाब से तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था नौ हजार रुपये अब इनकम हुई एक और दो और कितना तो टोटल मिलाकर बीच में डिविडेंड और कैपिटल गेन कब मिला ये तो नहीं दिया है पर टोटल मिलाकर छः सौ रुपये की कमाई हुई अब छः सौ रुपये को मिस्टर क्या नाम है भाई ऑरेंज ने ऑरेंज ने किया क्या है छः सौ रुपये को बोले छः सौ रुपये से फोर्टी सिक्स के हिसाब से क्योंकि ये तो एन लास्ट की है फोर्टी एवरेज एन बोला के हिसाब से बोले और यूनिट्स परचेस कर लिए म्यूचुअल फंड ने ठीक है तो क्या नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ गई यस पहले यूनिट्स कितनी थी 200 अब कितनी हो गई थर्टीन अब ये इनकम को इग्नोर कर दो क्योंकि ये छे सौ रुपए की इनकम नहीं है अब जो इनकम है वो आपको यूनिट्स के रूप में हो गई ठीक है अब टोटल मिलाकर यहाँ जो यूनिट्स हुई वो हो गई 213.043 और एन का प्राइस हो गया 48 तो टोटल मिलाकर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले थी 9000 अब हो गई 10226 प्लीज़ इस 600 सौ को अब इग्नोर कर देना क्योंकि अब इसके बदले में हमें क्या मिल गए यूनिट्स मिल गए तो क्या परसेंटेज निकाल सकते हो डायरेक्ट यस इसको इस तरह से मैंने प्रेजेंट किया पहले यूनिट्स परचेस किया था 9000 का छः सौ की कमाई यूनिट्स खरीदा आपने 13 टोटल यूनिट्स हो गई दो और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 10226 तो 10226 जीरो माइनस नाइन थाउजेंड डिवाइडेड में तो ये आ गया थर्टीन पॉइंट सिक्स टू परसेंट अच्छा क्वेश्चन था ठीक है सर आगे चले सर यस ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है देखते क्या बोल रहा देखा

पर एन एम बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ थ्री स्कीम टू मिस्टर ए अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार दस क्या एन ए वी बिगिनिंग की मालूम है क्या एन ए वी लास्ट क्या डिविडेंड रिसिवट पर ये टोटल में दे रखा तो ठीक है ना भाई कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग क्या करेंगे डिविडेंड रिसिवट पर यूनिट निकाल लेंगे हो जाएगा काम पर सवाल है नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितना तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स इतना इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई ये ओपनिंग एन ए वी करेंगे तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाएगा चेक करते कैसे हुआ पहले म्यूचुअल फंड एक की बात कर लूँ कितना लगाया था भाई पचास हज़ार बिगनिंग या नहीं था दस तो इतना यूनिट से किया था डिविडेंड रिसीव हुआ था नौ सौ पचास तो डिविडेंड पर यूनिट आ गया बीस पैसा पर यूनिट और क्लोजिंग एनएवी है दस रुपये चालीस पैसे तो क्या हमारा फॉर्मूला बन सकता है यस दस रुपये चालीस पैसे माइनस दस रुपये पचास पैसे प्लस पॉइंट टू इन टू हंड्रेड तो ये आ गया पॉइंट नाइन फाइव टू परसेंट पर इंपॉर्टेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ डेट डेट यहाँ कितनी थी एक बारह दो हजार नौ से थर्टी फर्स्ट मार्च दो हज़ार दस दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च चार महीने का तो फोर मंथ का तो चेक कर लेते ये जो यील्ड निकल रहा है ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक्चुअली और फोर मंथ्स तो इतना आ गया पा रहे सर ये सीरियसली बताइए क्या ये इफेक्टिव है मैं इस मैटर पे कोई भी बहस नहीं करना चाहता ऐसे ही निकालना ऐसे ही निकालो ठीक है तो आप बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड या फिर इफेक्टिव यील्ड और एनुअल रिटर्न ये सब कुछ सुनना ही नहीं चाहता दिस इज एनुअल यील्ड आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा ऐसे ही किसका निकाल लोगे म्यूचुअल फंड बी ऐसे ही किसका निकालोगे म्यूचुअल फंड सी क्या इसमें मुझे और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं सर ठीक है चले आगे अच्छा क्वेश्चन था ये इंडिफरेंस वाला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है पर मुझे नहीं लगता एक दो नंबर का दो चार नंबर की तो क्वेश्चन कहां से आएगी पर देखते हैं अच्छा क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कि यार शेयर मार्केट में पैसा लगाओ कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ और म्यूचुअल फंड से कम से कम इतनी तो कमाई हो जानी चाहिए कि शेयर मार्केट में हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड साहब आप इतना कमा कर दोगे रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे समझा रहा हूँ मिस्टर ए कैन अर्न सोलह परसेंट बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑन हिज ऑन मिस्टर ए बोलता है साहब कि अगर मैं खुद से शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं इक्विटी शेयर्स तो मुझे सिक्सटीन परसेंट की कमाई हो जाएगी ठीक है भाई अच्छी बात है पर बोले नाउ ही इज कंसिडरिंग रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच इनिशियल एक्सपेंसेस 5.5 परसेंट खुद से नहीं लगाओगे दूसरों के कंधे पर सॉरी खुद से पैसा नहीं लगाओगे दूसरों की मदद मांगोगे दूसरों की मदद मांगोगे तो खर्चे तो लगेंगे और बोले इनिशियल एक्सपेंसेस है फाइव शुरू में सौ लगाओगे ना सौ लग ही नहीं पाएगा उसमें से फाइव तो वैसे ही कट जाएगा इसके अलावा हर साल रिकरिंग एक्सपेंसेस भी है 1.5 परसेंट सर इक्विटी शेयर्स में है कि नहीं इक्विटी शेयर्स में ऐसा कोई खर्च नहीं है ठीक तो बताइए म्यूचुअल फंड से कितनी कम से कम म्यूचुअल फंड कमा कर दे कि इंडिफ्रेंस हो जाए मतलब कमाई सोलह परसेंट की होना चाहिए मिस्टर ये बोलता मेरे जेब में सोलह परसेंट आना चाहिए भाई सोलह परसेंट नहीं जितना रुपए मुझे जितना भी रुपए जैसे वहां जितने रुपए समझा रहा हूं ऐसे समझ लो अगर हम इक्विटी में लगाते हैं मान लो कि सौ रुपए इन्वेस्टमेंट करते थे तो सौ रुपए का सोलह परसेंट सोलह रुपए की कमाई हो रही है अगर हम इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हो तो सिक्सटीन रुपए की कमाई हो रही है और सर अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते तो ये मुद्दे की बात है अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो सौ लगा ही नहीं पाओगे आपके इनिशियल एक्सपेंसेस है साढ़े पांच परसेंट तो सर नाइनटी फोर पॉइंट फाइव जीरो ही लगा पाएंगे यस इतना ही इन्वेस्टमेंट कर पाओगे सर लेकिन इसके लिए तो सौ रुपए तो गया सौ रुपए गया मैं सोलह रुपए कमा कर दूंगा ना आप चिंता क्यों सोलह रुपए ही कमाई होनी चाहिए और सुनो हर साल का नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो पर डेढ़ परसेंट का खर्च भी है तो वन पॉइंट फोर वन सेवन फाइव तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल मिला कर इट मीन्स हमें कमाना है सोलह रुपए खुद के जेब के लिए वन पॉइंट फोर वन सेवन फाइव म्यूचुअल फंड के लिए तो टोटल मुझे मिलाकर मुझे सत्रह पॉइंट फोर वन सेवन फ़ाइव रुपीज़ कमाना है कितने रुपए लगा कर नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो पर कमाना है तो परसेंटेज मैं बोलूँगी तो एटीन पॉइंट फोर थ्री परसेंटेज हम लोगों को कमाना है इट मीन्स म्यूचुअल फंड आप हमें एटीन पॉइंट फोर थ्री परसेंट दे दीजिए कमाई तो हमारी सारी झंझटें खत्म इट मीन फिर हम इक्विटी से भी सोलह रुपए कमा रहे हैं आपसे भी सोलह रुपए ही कमाएंगे तो ये एक तरीका है आंसर आ गया एटीन पॉइंट फोर थ्री पर एक फॉर्मूला दिया है ये वाला फार्मूला डेरिवेशन सर डेरिवेशन में करवा चुका हूँ ऑलरेडी क्लास में यहाँ डेरिवेशन पे मैं रिविजन में टाइम खराब नहीं करना चाहता आर टू का मतलब म्यूचुअल फंड की कमाई कितनी हो तो आर वन वन माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस आर वन का मतलब ये परसेंटेज है हाँ हमें सोलह परसेंट चाहिए और वन माइनस पॉइंट जीरो फाइव फाइव मतलब वो कितना पैसा लगा इन्वेस्टमेंट कितना और वन पॉइंट फाइव तो हम लोगों को चाहिए चाहिए किस चीज़ का रिकरिंग एक्सपेंसिस का एटीन पॉइंट फोर थ्री डेरिवेशन आप खुद भी कर लोगे बहुत ज्यादा मुश्किल तो डेरिवेशन नहीं है पर डेरिवेशन के चक्कर में पढ़े क्यों अभी क्यों पढ़े चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं क्या लिखा हुआ लिखा सन मून म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड दे वर थ्री प्लान्स डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है बोनस प्लान है ना ग्रोथ प्लान डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या समझते हो सर बीच में अगर म्यूचुअल फंड डिविडेंड देगा तो हम उससे और यूनिट्स खरीद लेंगे बिल्कुल सही बोनस का मतलब म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड रुपया हाथ में नहीं देगा आपको यूनिट्स इश्यू करते जाएगा दिस इज बोनस प्लान ग्रोथ प्लान कहता म्यूचुअल फंड बोलता आपका डिविडेंड हमें हमारे पास ही रहने दो कैश बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो और लास्ट में उससे फायदा क्या होगा आपका एन का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा और अगर आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में जाते हो और एट द टाइम ऑफ इनिशियल ऑफर एक अप्रैल दो हजार पंचानबे को तीन लोगों ने पैसा लगाया एक एक लाख रुपए तीनों ने लगाया और अलग अलग प्लान लिए ठीक है डिविडेंड इतना मिलेगा बीस परसेंट सत्तर परसेंट चालीस परसेंट पच्चीस परसेंट एंड चालीस परसेंट बोनस इस रेशियो में मिलेगा प्लान ए प्लान बी प्लान सी और सिंपल सी बात है प्लान सी में एन का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा उसकी वजह क्या है मालूम है क्योंकि कैश बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड के पास किसी को कुछ दे तो नहीं रहा ना तो यूनिट से बढ़ रहा है तो पक्का ही ज़्यादा रहेगा खैर मुझे रिसर्च नहीं करवाना ऑन थर्टी जुलाई ऑल द थर्टी जुलाई कौन सा ईयर टू ही होगा ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई ऑल थ्री इन्वेस्ट रिडीम्ड ऑल द बैलेंस यूनिट्स कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टू ईच ऑफ द इन्वेस्टर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम ठीक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे दस परसेंट टैक्स लगेगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है पॉइंट टू परसेंट ऑनली ऑन सेल ऑफ यूनिट्स और एजुकेशन सेल्स को इग्नोर कर दीजिएगा ठीक है सबसे पहले जो बात करते वो किसके करते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान स्टेटमेंट ऐसे ही बनेगा एज्यूम कर रहे हैं कि यूनिट का फेस वैल्यू है दस तो उस हिसाब से एक लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो दस हजार यूनिट्स आपने परचेस किया एक अप्रैल पेंशन को उसके बाद अट्ठाईस सात को बीस परसेंट डिविडेंड मिला तो एक लाख का बीस परसेंट कितना होता बीस हज़ार रुपये डिविडेंड मिला और डिविडेंड जिस दिन मिला उस दिन एन चेक करोगे तो तीस रुपये सत्तर पैसे था तो उस हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किया गया सिक्स फिफ्टी वन तो टोटल मिलाकर नंबर ऑफ़ यूनिट्स दस हज़ार तो पहले से था दस हज़ार छः सौ इक्यावन अच्छा सिक्स फिफ्टी वन और आ गया तो वन जीरो सिक्स फाइव वन यूनिट्स आया उसके बाद डिविडेंड सत्तर परसेंट मिला पर सेवेंटी परसेंट जो मिलेगा ना वो ये जो यूनिट्स है इसको फेस वैल्यू पे ही मिलेगा डिविडेंड दस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इतना रुपये आ गया इसका सत्तर परसेंट डिविडेंड तो ये मिला डिविडेंड और ये कितने के हिसाब से फिफ्टी एट पॉइंट फोर जिस दिन ये डिविडेंड मिला उस दिन एन ए वी था फिफ्टी एट पॉइंट फोर टू तो इतना यूनिट्स और बढ़ गया तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स इतना हो गया फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर दस से क्योंकि फेस वैल्यू दस है तो अब जो डिविडेंड मिलेगा फोर्टी परसेंट वो इतने में मिलेगा इतना रुपए डिविडेंड उस दिन एन ये था तो नंबर ऑफ यूनिट्स ये आ गए इस तरह से काम हुआ और टोटल मिलाकर यूनिट्स हमारे पास हो गया चौदह हजार नौ सौ पॉइंट वन फोर सिक्स अब जो चौदह 14 यूनिट्स थी उसको हम रिडीम्ड करेंगे कब की बात हो रही है इकतीस जुलाई दो की कितने रुपए में तो रुपए उस दिन वैल्यू कितनी है इकतीस जुलाई 2005 मतलब ये वाली डेट होगी 53.75 में रिडीम्ड कर दिया मतलब बेच दिया बेच दिया तो आपको आया 801205 इतना रुपए लेकिन क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कटेगा यस yes, पॉइंट टू परसेंट बेचने पे कटना ही है सोलह सौ दो रुपए तो कटने के बाद आया आपके पास सेवन नाइन नाइन सिक्स जीरो थ्री अब एक बात ये समस्या है कि आपने जो यूनिट्स परचेज मिला था वो मिला था चौबीस मार्च शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगना है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो सोच ही सकती हो ना सर एक साल के अंदर अंदर खरीदा होगा तो क्या ये एक साल के अंदर है 31 जुलाई 24 मार्च 2005 2005 पाँच हाँ ये 31 मार्च 2004 तो ये तो सब कट गए ये सब लॉन्ग टर्म है पर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स कितना देना पड़ेगा दस परसेंट तो 10 परसेंट टैक्स दे रहे कितना है ये 53.64 सर ये 53.75 में बेचा फिफ्टी भाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को काट कर फिर बच्चों का टैक्स का एक्सपर्ट नॉलेज बोलता है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो आप एक्सपेंसिस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते इनकम टैक्स बोलता है आप वैसे भी ले सकते हो इन आपके स्टडी मटेरियल में दोनों ही एजेंशन ले रखा है पर मैं मेन आप सही हो मैं यहाँ काट के कर रहा हूँ मेन एजम्शन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रखे इसलिए मैं इट मीन सिक्योरिटी बेचते समय सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो कटेगा ना उसको काटने के बाद एक बार चेक कर लो फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव माइनस पॉइंट टू परसेंट फिफ्टी थ्री पॉइंट टू परसेंट फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट टू परसेंट 53.64 चलेगा माइनस खरीदा कितने में था 48.14 और कितना यूनिट्स था ग्यारह और उस पर टैक्स लग गया दस परसेंट तो टैक्स तो काटना पड़ेगा और टैक्स को घटाने के बाद ये आया वैल्यू बहुत सारे बच्चों का बस ये क्वेश्चन आया कि एस टी क्यों आप एक्सपेंसेस की तरह मान रहे हो आप नहीं भी मान सकते दोनों ही एजेंसन से क्वेश्चन बना रखा ठीक है तो मेन जो है जो पैसा लगाया था एक अप्रैल को कितना रुपए लगाया था एक लाख एक अप्रैल पंचानबे को और आज इकतीस जुलाई दो हज़ार को जो पैसा हो गया वो हो गया सात लाख अंठानबे हज़ार नौ सौ उनहत्तर तो बताओ कितना परसेंटेज की कमाई हो रही है होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल सकते हैं और होल्डिंग पीरियड रिटर्न दिख रहा है देस माइनस देस इतना क्लोजिंग वैल्यू माइनस एक लाख एक लाख तो यार क्या 698.969 पर टोटल मिलाकर अगर आप काउंट करोगे एक अप्रैल कितने से पंचांबिस से 31 जुलाई 2005 तक तो टोटल मिलाकर ये 124 महीने होते हैं पर मुझे होल्डिंग पीरियड रिटर्न नहीं चाहिए मुझे एनुअलाइज रिटर्न चाहिए अगर एनुअलाइज रिटर्न चाहिए तो आपको निकालना आता है 124 सौ चौबीस तो ये आ गया सिक्सटी अगर मेरा मन कहूँ इफेक्टिव यील्ड भी निकाला जाता है इफेक्टिव यील्ड अलग होता है इफेक्टिव यील्ड ऐसे होता है एक लाख रेट 124 सौ 12 महीने का तो 124 महीने का कितना एक लाख रुपए अब इतना आ रहा तो बारह महीने का निकल सकता है ऑटोमेटिक तो इस तरह से ये होल्डिंग पीरियड नहीं मैं करवा चुका हूँ पर मेरी सलाह है कोशिश इफेक्टिव यील्ड मांगेगा तो ऐसे वो करना चाहिए एनुअल रिटर्न मांगेगा तो ऐसे ही करना चाहिए पर आपके स्टडी मटेरियल में सर जी आपके प्रैक्टिस मैनुअल ने ऐसे ही कर रखा है चाहे होल्डिंग पीरियड रिटर्न मांगे इफेक्टिव यील्ड मांगे चाहे एनुअल रिटर्न मांगे उन्होंने ऐसे ही कर रखा उन्होंने ये किया तो है ट्रायल एंड एरर मेथड उन्होंने आईआरआर मेथड से कर रखा है ये आईआरआर मेथड ही है आईआरआर मेथड से कर रखा है वैसे करना हो तो आपकी मर्जी पर वो अल्टरनेटिव में कर रखा है इसका मतलब चाहे क्वेश्चन इफेक्टिव मांगे चाहे क्वेश्चन एनुअल रिटर्न मांगे हम ऐसे कर सकते कोई समस्या नहीं ठीक है दोनों ही करके आ जाना ना यार ये ये मैं समझा नहीं पाऊंगा डर्टी पावर वगैरह ये सब आपको आता है ये कौन सा था डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान आगे चले एक है बोनस प्लान ठीक है सर बोनस प्लान में क्या है सेम एक अप्रैल को कितना यूनिट्स था दस हज़ार इकतीस मार्च 2000 को फाइव इस टू फोर मतलब हर चार के बदले में पाँच यूनिट तो यूनिट्स कितनी होगी गई बारह हज़ार पाँच सौ तो टोटल यूनिट्स हो गया बाईस हज़ार पाँच सौ फिर इकतीस मार्च 2004 को तीन के बदले में एक तो पहले यूनिट्स, तो यूनिट्स कितनी हो गई थी बाईस हज़ार पाँच सौ तीन के बदले में एक तो टोटल मिलाकर यूनिट्स कितना हो गया तीस हज़ार फिर 2005 को चार के बदले में एक तो टोटल यूनिट्स कितना हो गया थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है जी. अब थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स बेचा है कितने रुपए के हिसाब से बाईस रुपया अंठानवे पैसे के हिसाब से कहा मिलेगा आपको है? ये दिख रहा बाविस है, है बाविस क्योंकि इसका एनएवी अलग है इसका एनएवी इसका है इसका बाईस रुपया अंठानवे पैसे के हिसाब से बेचा है बेचा बाईस रुपये अंठानवे के पैसे तो ये आ गया सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ये आ गया अब कैपिटल गेन देखो तो इस पर तो लगेगा कैपिटल गेन इस पर नहीं लगेगा इस पर लगेगा तो इस पर कैपिटल गेन देख ले बाईस रुपये तिरानबे पैसे मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स काटा और यहाँ याद रखना यहाँ सर एन ए वी यहाँ बोनस यूनिट से उसका तो जीरो होना चाहिए नहीं उस दिन एन ए वी कितना था जिस दिन जिस दिन बोनस यूनिट से मिला उस दिन एन ए वी कितना था वो ले लेना ठीक है और उस पर फिर टैक्स टेन परसेंट तो रिडीमेबल वैल्यू आगे एट फाइव सेवन सेवन नाइन टू फिर कैलकुलेशन वैसे ही होगा पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लेंगे उसके बाद एनुअल रिटर्न निकाल लेंगे उसके बाद चाहो तो इफेक्टिव यील्ड भी निकाल देना भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निकाल देना पता लगा कि दोनों करके आ जाना अगर आता है तो नहीं तो ये तो करके आने आना है आपको किसी भी हालत में इसके बाद लास्ट वाला ग्रोथ प्लान इसमें कुछ है ही नहीं है दस हज़ार यूनिट एटी टू पॉइंट जीरो सेवन के हिसाब से ये बेचा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सोलह सौ ये कट गया तो उसके बाद ये आ गया रिडीमेबल वैल्यू फिर निकाला आपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो ये परसेंटेज में आ गया उसको आपने एनालाइज कर लिया सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव नाइन परसेंट अल्टरनेटिव आप ऐसा कर सकते हो आपकी मर्जी ठीक है तो ये क्वेश्चन था ये इसी क्वेश्चन में ना बैक कैलकुलेशन आ गया था सर बैक कैलकुलेशन का मतलब उन्होंने ना बेटे ये दे दिया था

ये। अगर मैं कहूं खैर वो जो क्वेश्चन कल करवाऊंगा ना कल ही बात करूंगा कुछ नहीं बैक कैलकुलेशन था वो बैक कैलकुलेशन हो सकता था ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं रिटर्न कैलकुलेशन का अच्छा क्वेश्चन पढ़े yes. लिखा है मिस्टर एक्स ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवन डूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड इन टेन थाउजेंड having a फेस वैल्यू ऑफ रुपीज टेन फॉर each यूनिट एक सात दो हजार सात को इनिशियल ऑफर में म्यूचुअल फंड ने दस हजार यूनिट्स इश्यू किया और दस रुपए के एक के हिसाब एक के से ऑन इकतीस मार्च दो हजार आठ द डिविडेंड ऑपरेटेड बाय द म्यूचुअल फंड वाज टेन परसेंट इकतीस मार्च 2008 को डिविडेंड मिला 10 परसेंट मिस्टर एक्स फाउंडी थ्री एनुलाइज एनुअलाइज दे रखा होल्डिंग पीरियड रिटर्न नहीं हमें एनुलाइज से होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना ही पड़ेगा अगर हमें एनएवी पता करना है तो ठीक है ऑन इकतीस दिसंबर 2009 20 डिविडेंड वाज गिवन ऑन 31 मार्च 2010 मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंस 11296.11 यूनिट्स व्हेन हिज एनुअल यील्ड वाज 73.52 पर व्हाट आर द एनएवी ऑन 31 मार्च 2008 31 दिसंबर 2009 और 31 मार्च 2010 देखा जाए तो इस क्वेश्चन को समझाने में एक घंटे की जरूरत पड़ेगी डिटेल में थोड़ा अच्छे से अगर समझाना है तो अगर आप कहोगे कमेंट्स में लिखना अगर आप कहोगे तो इस क्वेश्चन को मैं पक्का अपलोड कर दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आईसीएआई आई का तो हर टीचर ने बहुत ज्यादा डिटेल में समझा रखा होगा तो मुझे सिर्फ रिवीजन करवाना है बस बात खत्म चलो थे, काम करें जी यस एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे यह एक सात दो हजार सात कितना यूनिट्स दस यूनिट्स कितने के हिसाब से दस के हिसाब से ठीक है यहां तक तो ठीक ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर दस हजार यूनिट्स ऑन 31 मार्च 2008 ये आठ यह खत्म होगा बोले 31 मार्च 2008 को खत्म होगा डिविडेंड ऑपरेटेड बाय द म्यूचुअल फंड वाज टेन परसेंट बोले यहां डिविडेंड दस परसेंट मिला ठीक है डिविडेंट तुमको मालूम है और मिस्टर बोले यहाँ की एनुअलाइज एनुलाइजी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट तो क्या होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाला जा सकता है क्या पूछने की क्या कोशिश कर रहा वो एने भी पूछ रहा है एक तो इकतीस मार्च 2008 की एक 31 दिसंबर 2009 की और इकतीस मार्च 2010 की यहाँ की प्लीज इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ी स्पीड से करवा रहा हूँ आप समझने की कोशिश करना बहुत डिटेल में नहीं करवा सकता टाइम ही नहीं है पास हम ये मान के चल रहे कि ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है सर कैसे मान सकते हो ऐसा क्योंकि खुद सोचो यहाँ यूनिट्स बढ़ा है तो यूनिट्स पहले कितना था दस हज़ार और यूनिट्स लास्ट में बढ़ गया तो क्यों बढ़ा होगा भैया यूनिट्स परचेस कर रहे होगे ना और तभी तो बढ़ रहा होगा तो ये मान के चलो कि जो भी डिविडेंड मिलेगा उसका री इन्वेस्टमेंट कर देंगे और री, री इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पर करेंगे यहाँ का जो एन है उस पे करेंगे और यहाँ का एन कितना है ये हमको नहीं मालूम पर हम निकाल तो सकते हैं यहाँ के एन को हम एक्स ले लेते हैं समझ नहीं मैं यहाँ का एन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अगले पेज में जाना है क्या यस अब ध्यान से समझना मैं जो करना। मैंने लिखा लेट एज्यूम एन एवी ऑन इकतीस मार्च 2008 को एक्स है तो ओरिजिनल यूनिट्स एक सात दो हजार दस हजार था इन्वेस्टमेंट किया एक लाख रुपये एक लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में तो डिविडेंड अमाउंट 31 मार्च 2008 को कितना रुपए था दस हजार रुपए सिंपल सी बात है एक लाख का दस परसेंट दस हजार रुपये और उसको री इन्वेस्टमेंट किया तो यूनिट्स खरीदा होगा पर यूनिट्स का प्राइस हमको नहीं मालूम एक्स ठीक तो टोटल मिला के यूनिट्स कितनी होगी हमारे पास दस यूनिट्स तो पहले से थी और दस प्लस डिवाइडेड बाय एक्स इतना दस ये रुपीज है इतना यूनिट्स और आ गई होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना परसेंट है 153 point, कितना था भाई? 153 था भाई रिटर्न तो उसको मैंने होल्डिंग पीरियड ये है बारह महीने का तो नौ महीने का कितना क्योंकि यहां से यहां तक तो नौ महीने होते थे एक सौ पंद्रह परसेंट तो इसको बेस लेकर सौ पंद्रह परसेंट को मैंने वन पॉइंट वन फाइव कर दिया क्लोजिंग वैल्यू दस यूनिट्स प्लस ये मल्टीप्लाई एन ए बी से कर दूंगा माइनस एक लाख डिवाइडेड बाय एक अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो आंसर आ जाएगा बीस रुपए पचास पैसे फिर तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में पहले ही तो, तो यहाँ का एनएवी कितना आ गया बीस रुपए पचास पैसे और नो no डाउट दस हजार में आपने बीस रुपए पचास पैसे के हिसाब से यूनिट्स खरीदा है तो नंबर ऑफ एडिशनल आ गए अब यहाँ जो है यहाँ जो यूनिट्स हो गई आपके पास फोर वन जीरो फोर एटी सेवन पॉइंट एट जीरो फाइव यूनिट्स हो गई और यहाँ डिविडेंड कितना है बोले यहाँ डिविडेंड है बीस परसेंट बीस परसेंट तो रुपीज में अमाउंट निकल जाएगा यस टू जीरो नाइन सेवन सिक्स अब मुझे एने भी पता करना है तो बेटे सोच के देखो क्या यहाँ इतना डिविडेंड का अमाउंट है यस क्या ये री इन्वेस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है चेक करो और हुआ है तो कितना एन कितने रेट पे हुआ है तो सोचो बेटे यहाँ यूनिट था वन जीरो फोर एट सेवन मानते हो यस और यहाँ यूनिट है ग्यारह हज़ार दो सौ छियानबे अगले साल तो हर साल के एंड में यहाँ डिविडेंड मिल रहा है उसके बाद यहाँ मिलेगा तो यहाँ जो डिविडेंड मिला होगा ये मिला तो यहाँ से यहाँ तक आपने यूनिट्स भी तो ख़रीदा होगा एक्स्ट्रा और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो इतना ही तो यूनिट्स खरीदा होगा तो भी निकल जाएगा सर क्या बात समझा रहा कितना यूनिट्स था दस हजार एडिशनल यूनिट्स दस हजार बीस रुपए पचास पैसे के हिसाब से फोर एटी सेवन पॉइंट एट जीरो टोटल यूनिट्स आगे इतना डिविडेंड है बीस परसेंट तो टोटल इतना रुपये है लेकिन टोटल यूनिट्स 31 मार्च 2010 को ग्यारह यूनिट्स था तो ग्यारह यूनिट्स था और दस यूनिट्स पहले था तो एडिशनल यूनिट्स 808 सौ आठ हैं आठ तो उस हिसाब से यार आपने जो यूनिट्स ख़रीदा है वो पच्चीस इतने ही रुपए में ख़रीदा होगा ना तो पच्चीस रुपये पंचानवे पैसे के हिसाब से खरीदा तो इस एन ठीक है सर और ये एन कब का निकला यहाँ का निकला यह नहीं यहाँ का पच्चीस रुपये बयानबे पैसे उसके बाद उन्होंने फिर एनवलाइज यूल दिया उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न और आंसर निकालेंगे खत्म एनवलाइज यूल दिया पीरियड है टोटल 33 थ्री मंथ तो 12 महीने का होल्डिंग पीरियड रिटर्न है और होल्डिंग पीरियड रिटर्न है डिवाइडेड बाय हंड्रेड कर दिया इतना यूनिट्स है किस रेट पर एक्स ले लिया एक लाख डिवाइडेड बाय एक लाख तो आंसर आ गया ट्वेंटी फाइव यूनिट्स ठीक है आप ना वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेटर चला लिया करो ज्यादा अच्छा <coughs> एक क्वेश्चन और करते हैं अप्रैल दो हजार बारह ए बी सी म्यूचुअल फंड इश्यू कितना यूनिट से इश्यू किया था बीस लाख दस के हिसाब से कुछ खर्चे भी थे बारह लाख रुपए का खर्चा था और इन्होंने एक सौ पचासी लाख रुपए पोर्टफोलियो में लगा दिया दो सौ लाख रुपए थे बारह लाख का खर्चा एक सौ पचासी लाख लगा दिया तीन लाख रुपए कैश बचा इनके पास ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2012, थाउजेंड डिस्पोज्ड ऑफ सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट जिसका कॉस्ट था साठ लाख उसको तिरसठ लाख में बेच दिया ठीक है कुछ एसेट्स और जो पैसे आए उससे और सिक्योरिटी परचेस कर दिया कितने की फिफ्टी सिक्स ,00 के। इसके अलावा आठ लाख रुपए का खर्च हुआ है उस मंथ की बात है और दस परसेंट अभी भी देना बाकी है आठ लाख का दस परसेंट आठ लाख रुपए का खर्च है तो आठ लाख का दस परसेंट देना बाकी ठीक है अप्रैल 2012 में डिविडेंड की कमाई हुई दो लाख रुपए और उसमें से अस्सी परसेंट उसमें से नहीं अस्सी परसेंट डिस्ट्रीब्यूट किया कि जितनी भी अर्निंग होगी चाहे वो कैपिटल गेन के रूप में हो चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो और अप्रैल को मार्केट का पोर्टफोलियो था एट लैक्स मंथ के मिस्टर आकाश एंड इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू हंड्रेड एक अप्रैल दो हजार बारह डिस्पोज कर रहा है क्लोजिंग अप्रैल तो बताइए उसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न वो निकाल लेंगे सबसे पहले कैश का कैलकुलेशन करना जरूरी है टोटल कितना था तीन लाख था तीन लाख था।, था एग्री इन्वेस्टमेंट बेचा कितने का था सिक्सटी थ्री लैख पैसा आया था सिक्सटी थ्री लैख्स उसमें से इन्वेस्टमेंट परचेस कितने का कर दिया फिफ्टी सिक्स लैख टोटल आठ लाख का खर्चा नब्बे परसेंट पैड किया दस परसेंट देना बाकी है तो नब्बे परसेंट जो पैड किया वो हो गया सात लाख बीस हज़ार इसके अलावा सर डिविडेंड की भी इनकम हो रही है दो लाख यस पर उसने बांटा भी तो है कितना दो लाख ये और तीन लाख कैपिटल गेन का कैपिटल गेन समझ रहे हो ना सिक्सटी थ्री माइनस सिक्सटी तो पांच लाख का अस्सी परसेंट बाढ़ दिया तो चार लाख ये खर्चा तो टू क्लोजिंग कैश कितना है पॉइंट एट तो क्लोजिंग कैश है वैल्यू एक्सपेंसिस पेबल दिया पॉइंट एट लैक्स तो नेट एसेट्स आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स तो ये आ गया एन एवी नाइन पॉइंट नाइन जीरो बोले आकाश जिन्होंने सौ यूनिट्स परचेस किया था सौ यूनिट दस के हिसाब से एक हज़ार रुपया लग लगाया था अब डिविडेंड और कैपिटल गेन की बात कर तो सुनो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार लाख ,00 कितना यूनिट्स पर बीस लाख पे तो सौ यूनिट्स पे कितना बीस रुपये और रिडीम्ड हो रहा है नौ सौ नब्बे में तो नौ सौ नब्बे माइनस एक हज़ार प्लस बीस तो ये परसेंट आया वन परसेंट पर वो मंथ का तो एनुअल रिटर्न कितना आ जाएगा बारह परसेंट पर इट ठीक है तो रिटर्न कैलकुलेशन का काम खत्म हुआ अब परफॉर्मेंस इवेल्यूशन वगैरह करना छोटा सा टाइम बचा ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ठीक है हाँ जी तो दो मुश्किल मुश्किल क्या दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने ख़त्म किया और वो दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे एक रिटर्न कैलकुलेशन और दूसरा क्या था हमारा आ, हमारा था एनअल रिटर्न एन निकालने का तीसरा परफॉर्मेंस इवेलुएशन ऑफ म्यूचुअल फ़ंड देखा जाए तो ये पोर्टफोलियो का हिस्सा है और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट कवर कर रहे मतलब मतलब ये है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अगर आप पैसे तो लगाना है म्यूचुअल फ़ंड में तो कौन सा म्यूचुअल फ़ंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसकी पास्ट हिस्ट्री को देखकर ही तो हम पैसा लगाएंगे बड़े सारे म्यूचुअल फंड हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाए अल्टीमेटली यह मैं यहां पढ़ाने जा रहा हूं तो तीन मेथड्स हैं एक शार्प रेशियो या रिटर्न ऑन वेरिएबिलिटी बोलते हैं रिटर्न टू वेरिएबिलिटी शार्प रेशियो पहले से पढ़ा हुआ है ऐसा तो है नहीं है म्यूचुअल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसमें होता क्या यार पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड जहाँ पैसा लगाता जो पोर्टफोलियो बनाना है क्या रिस्क फ्री से ज्यादा पैसा कमाएगा यस रिस्क फ्री से ज्यादा इट मीन्स एक्सेस रिटर्न कमाएगा बेस किसको लेना है बेस लेना है टोटल रिस्क को स्टैंडर्ड एवेशन को शार्प रेशियो बेस किसको बोले एक्सेस रिटर्न जितना कमा रहे हो रिस्क प्रीमियम वो किसकी वजह से कमा रहे हो रिस्क की वजह से तो बेस किसको लेना है स्टैंडर्ड एवियन को टोटल रिस्क को और ज्यादा शार्प रेशो है हायर है तो इसका मतलब उसको हम ज्यादा रैंक देंगे हाई रैंक देंगे ऐसे ट्रेनर रेशो क्या बोलता है या रिटर्न टू वॉलेटिलिटी बोलते हैं वो भी यही बोलता बोले एक्सेस कितना रिटर्न कमा रहा है पर बेस सिर्फ और सिर्फ किसको ले रहा हो सिस्टमेटिक रिस्क को रिटर्न टू वॉलेटिलिटी बोलते हैं याद रखना रिटर्न टू वेरिएबिलिटी का मतलब बेस बेस स्टैंडर्ड है रिटर्न टू का मतलब बेस क्या रहेगा बीटा शार्प रेशियो में स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस लिया जाता है ट्रेनर रेशो में बीटा को बेस और अल्फा सर अल्फा मतलब वो अल्फा जो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ रहे थे बिल्कुल सही कितना पास्ट में कमाया और सिस्टमेटिक रिस्क को बेस लेकर कितना कमाना चाहिए था के ही बोलते इसको आर पी माइनस के ज़्यादा अल्फा है इसका मतलब ज़्यादा रैंक सिंपल तीन तरह से और रैंक को देखते हुए जिसका हाईएस्ट रैंक आएगा उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैनेजमेंट का उस म्यूचुअल फंड का ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो हम उसमें पैसा लगाने का ज़्यादा सोचेंगे देखते क्या फाइव पोर्टफोलियो दे रखा है और एवरेज रिटर्न मतलब कितना कमाया पिछले पाँच सालों में टोटल रिस्क ये कहाँ काम आएगा शार्प रेशो कोरिलेशन दे रखा है मतलब बीटा निकालने के लिए काम आएगा ट्रेनर रेशो में स्टैंडर्ड एविशन मार्केट दिया है आरएम दिया आरएफ दिया है रैंक द पोर्टफोलियो सबसे पहले बात किसकी कर रहा है, वो शार्प रेशो निकाले थे सिंपल सार रेशो हमको पता है आर पी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय डेविएशन फोर थ्री सेवन पॉइंट फाइव फोर टू फाइव फोर पॉइंट फाइव ज़्यादा किस में इसमें तो ये रैंक फर्स्ट इसको दिया है उसके बाद उस हिसाब से रैंक कर दिया हायर टू लोअर ऐसे किसका किया होगा ट्रेनर्स रेशो ट्रेनर्स रेशो ये दिख रहा है आप पर उसके लिए सबसे पहले बीटा निकालना पड़ेगा बीटा निकालना आता है आपको और बेस क्या लेना पड़ेगा आपको बीटा लेना पड़ेगा और हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है ये तो इसको रैंक हायर इसके क्योंकि बीटा निकला हुआ है तो इसके बाद क्या निकालेंगे जेंसन अल्फा ये अल्फा आरपी और आर एफ ये दिया के तो ये अल्फा आया और यहां हाईएस्ट रैंक कहा है ये मतलब क्या सर रैंक अलग अलग हो सकता है हाँ जी अलग अलग हो सकता एक क्वेश्चन है इसमें बैक कैलकुलेशन वाला वो क्वेश्चन आप कर लोगे मुझे पूरी उम्मीद है वो मैं नहीं करवा रहा ये तीसरा पॉइंट था परफॉर्मेंस एवेलुएशन तीन तरीके शार्प रेशो ट्रेनर रेशो एंड जेंसन एल्फा ठीक है और एक चीज और वो बात कर रहा हूँ मैं हेच फंड की एक ही क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में हेच फंड फंड होता क्या था दिलाता हूँ कभी कभी होता क्या है जनरली म्यूचुअल फंड पर को रेगुलेट कौन करता है स्टॉक एक्शन क्यों से भी सॉरी से भी तो ज्यादा अच्छा क्यों रेगुलेट करता क्योंकि यार पब्लिक का पैसा फंसा हुआ होता है बहुत ज्यादा तो म्यूचुअल फंड चाहकर भी बहुत ज्यादा रिस्क लेकर पैसा नहीं लगा सकते बड़े सारे इन्वेस्टर बहुत जल्दी कमाई करना चाहते खूब कमाओ वही रिस्क लेने को तैयार है पर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो म्यूचुअल फंड तो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता तो एक ऐसे ही फंड है फंड, जिसमें प्राइवेट जैसे मैं सी हूं ऐसा समझ लो और इसमें मैं अपने क्लाइंट का पैसा जो चाहे जितना चाहे उतना रिस्क लेकर लगा सकता हूँ और ऐसे फंड को आप म्यूचुअल फंड नहीं बोलते ऐसे फंड को हेज फंड बोलते ठीक है पूरा डिटेल नहीं समझाऊंगा उसके लिए तो रेगुलर क्लास ही देखना पड़ेगा तो सर इसका नाम हैच क्यों पड़ा हैच इसलिए पड़ा क्योंकि हम लिमिटेड स्टॉक में पैसा लगाते हैं लॉन्ग पोजिशन जो अच्छे स्टॉक है उसमें लॉन्ग पोजीशन ले लेते और जो ख़राब स्टॉक है उसमें शॉर्ट पोजीशन ले लेते ताकि हम सिस्टमेटिक रिस्क को हैच करने की कोशिश करें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते पैसा भी उतना नहीं रहता जबकि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होता है बदले में मैं सीए हूँ तो भारी भरकम फीस लूँगा इंसेंटिव भी लूँगा और इंसेंटिव किस बात का लूँगा अगर मैं आपसे बोलूँगा क्लाइंट से देखो साहब क्लाइंट अगर मैं आपका परफॉर्मेंस अच्छा करके देता हूँ आपका पोर्टफोलियो जो है एक बेंच मार्क से ऊपर करके देता हूँ तो भाई उस पर मुझे इंसेंटिव भी तो मिलना चाहिए ठीक है सर सर पूरी तरह से समझ में नहीं आया आप भी नहीं सकता क्योंकि डिटेल में हमको समझना है क्या म्यूचुअल फंड रेगुलेट करते हैं हैच फंड को रेगुलेट नहीं करते ये म्यूचुअल फंड जो बनता है जनरली ट्रस्ट के थ्रू बनता है ट्रस्ट और ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है इसमें अनलिमिटेड इन्वेस्टर्स हो सकते हैं लेकिन हैच फंड में लिमिटेड इन्वेस्टर्स ही हो सकते हैं आपको गवर्नमेंट मना करता है आप अनलिमिटेड इन्वेस्टर नहीं कर सकते एक लिमिट होते हैं क्या ये एडवरटाइज़ कर सकते हैं ये एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते सिंपल सी बात है आप पब्लिक को नहीं बोल सकते कि मैं डबल पैसा डबल करके दूंगा करके जनरली ये लॉन्ग पोजिशन लेते लॉन्ग पोजिशन भी लेते शॉर्ट पोजिशन लेते हैच करने की कोशिश करते अनसिस्टमैटिक रिस्क यहाँ खत्म कर सकते क्योंकि डाइवर्जिफिकेशन होता है यहाँ अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं करते यहाँ फिक्स होती है फीस और यहाँ फंड मैनेजमेंट की फीस डिपेंड करता परफॉर्मेंस ऑफ हैच फंड ठीक है एक ही क्वेश्चन है तो फीस कैलकुलेशन का कोर्स है फीस दो टाइप के होते बेस फीस और परफॉर्मेंस फीस या इंसेंटिव बोलते हैं बेस फीस तो सर्टन परसेंटेज होता है जितना भी एसेट मैनेजमेंट करना है उसका भैया एक परसेंट चाहे आपका पोर्टफोलियो पूरा डूब जाए हमको तो पैसा चाहिए चाहिए हम ऑफिस कैसे चलाएंगे भाई ठीक है तो ठीक है ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती है पोर्टफोलियो के इंक्रीज और डिक्रीज़ होने से ये फिक्स ये फिक्स है बेस फीस लेकिन परफॉर्मेंस फीस या इंसेंटिव फीस क्या होता है एक रेट दे दो मतलब क्लाइंट बोलेगा देखो भैया ऐसा है कि मेरा पोर्टफोलियो अगर बीस परसेंट से ऊपर जाएगा तो 20 से जितना ऊपर जाए उसके पर आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा या फिर बोल सकते कि एक वैल्यू दे देंगे कि एक वैल्यू ले लो मेरा पोर्टफोलियो पिछला एक साल का जो हाईएस्ट वैल्यू है अगर उससे भी ऊपर गया तो एक परसेंटेज ले ले लेना ठीक है तो एक क्वेश्चन है लिखा ए एन पी प्लान करेंटली हैज एसेट्स रुपीज ट्वेंटी करोड बीस करोड़ रुपए का एसेट्स सी एक्ट द मैनेजर ऑफ फंड चार्जेस फीस फीसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो एसेट्स हम चार्ज करेंगे दिस इज बेस फीस इसके अतिरिक्त इंसेंटिव फीस होगा दो परसेंट द बी लिंग टू ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर इन एक्सेस ऑफ द पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस द इंसेप्शन ऑफ फंड जब से फंड स्टार्ट हुआ उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अगर उससे भी ऊपर जाएगा तो भैया इंसेंटिव मिलेगा और इंसेंटिव कितना मिलेगा बोले वो बाद में बता, यहां बताया यहाँ बताया ना इंसेंटिव लिखा दो परसेंट और मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ था बोले ट्वेंटी वन करोड़ हुआ था ठीक है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फीस पेबल इफ़ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो अगर ट्वेंटी नाइन परसेंट से बढ़ता अगर साढ़े चार परसेंट से बढ़ता या वन पॉइंट एट परसेंट से गिरता अगर 29 परसेंट से बढ़ता है ये बढ़ता है और ये गिरता है ठीक है टोटल मिलाकर आपका एसेट्स कितने का था 200 लाख बेस फीस है पॉइंटी वन परसेंट वो तो मिलेगा ही मिलेगा अब वैल्यू बढ़ गया और यहाँ 25 लाख अस्सी हज़ार हो गया क्या 21 लाख से बढ़ गया यस yes. तो फिर आपको दो परसेंट इंसेंटिव मिल जाएगा बीस लाख दो लाख हो गया क्या ये दो सौ अट्ठावन लाख की दो सौ दस लाख सॉरी आप जीरो जीरो मैनेज कर लेना और यहाँ तो बड़ा ही नहीं तो यहाँ इंसेंटिव नहीं मिलेगा यहाँ तो इंसेंटिव मिलेगा ही नहीं तो टोटल फीस यहाँ विथ इंसेंटिव आएगा यहाँ इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा क्योंकि इक्कीस लाख दो सौ दस लाख से ऊपर होना चाहिए था पोर्टफोलियो दैट्स इट तो यही एकमात्र क्वेश्चन है हेच फंड का इसके बाद रेसिड्यूअल बचा है ये क्वेश्चन है सुनो मेरी बात अब अच्छे से सुनना ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है कि मैं दो मिनट में खत्म कर दूँ टाइम लगेगा इसको करवाने में बहुत डिटेल बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ रिविज़न में करने का मतलब नहीं है इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में ठीक है और डिटेल में टाइम लगेगा इसको समझने आराम से ये आया हुआ अभी है ये क्वेश्चन आया हुआ दे, देख दिख रहा आपको ये क्वेश्चन आया हुआ ठीक है धीरे धीरे करना और इसको धीरे धीरे समझना ये क्वेश्चन एक बार देख लेना भाई अच्छा क्वेश्चन है ठीक है हालांकि अभी अभी आया है तो आने की प्रोबेबिलिटी कम है पर यहाँ समझाने का मतलब नहीं बनता क्योंकि स्पीड से समझाऊंगा आपको कुछ समझ में आएगा नहीं पता नहीं याद आ जाए हाँ लेकिन इसका मैं आपको सॉफ्ट कॉपी ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है तो चेक करोगे डिस्क्रिप्शन उसमें इसका सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स होगा म्यूचुअल फंड का इसके अलावा कुछ टॉपिक्स uh, भी होगे जो डिटेल में आपको जिसको पढ़ना है प्लस कमेंट्स में मुझे ये भी कर दीजिएगा कि क्या चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड हो या है एस का कोई भी टॉपिक हो अच्छा Uh, कुछ डाउट्स अभी भी आए थे एक तो कुछ बच्चों का कहना आटो कोरिलेशन टेस्ट आप करवाइए वैसे तो मैं करवा चुका हूँ क्लास में पर यूट्यूब में भी डाल दीजिए वो मेरी जिम्मेदारी वो मैं डालूंगा कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि हम लोगों को क्वेश्चन पेपर भी करवाइए हालांकि रेगुलर क्लास में पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हूँ जनवरी का भी और दिसंबर का भी पर फिर भी बच्चों का कहना प्लीज़ सर प्लीज़ तो ठीक है भाई कर लेते क्वेश्चन पेपर भी मैं यहाँ अपलोड करूँगा उसमें फॉरक्स वॉरिक्स का कुछ क्वेश्चन है वो भी करना है कुछ ट्रांजिट ट्रांजिट पीरियड करके था वो बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम है ठीक है पिछले दो अटैम्प्ट के क्वेश्चन पेपर और एम ये कुछ पेंडिंग है वो मैं आपको अब आप रेगुलर मेरे ख्याल से अब रेगुलर हो जाएगा ठीक है जी थैंक यू सो मच इतना कर लेना उसके अलावा लगेगा तो म्यूचुअल फंड में मेरे ख्याल से पूरा कवर करवाए एक दो क्वेश्चन बैक कैलकुलेशन के वो भी देख लोगे थैंक यू सो मच बाय बाय नेक्स्ट क्लास में मिलते हो सकता है आटो को टेस्ट हो या हो सकता आटो को रिलेशन टेस्ट हो सकता है या फिर एक क्वेश्चन पे डाउट्स आ रहा है बच्चों का बहुत ज़्यादा तो वो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा एस एफ एम का ही है ठीक स्वैप का क्वेश्चन है जिस पे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वो स्वैप का क्वेश्चन अगला वीडियो रहेगा उसके बाद रहेगा आटो को रिलेशन टेस्ट थैंक यू